मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाल्लाह बनेगी। मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाल्लाह बनेगी। मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाल्लाह बनेगी। ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप। भारत का आईन में हमको इख्तियार है, क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। मेरा फंडामेंटल राइट बुनियादी हक बाकी रहता है। मैं पहले भी कहा आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी। आप देखना, इनको बड़ी तकलीफ है ऐसा बोलते, मतलब क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है, बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को अख्तियार, आपको अख्तियार है। मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाल्लाह बनेगी। मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाल्लाह बनेगी। मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाल्लाह बनेगी। ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप। भारत का आईन में हमको इख्तियार है, क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। मेरा फंडामेंटल राइट बुनियादी हक बाकी रहता है। मैं पहले भी कहा आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी। आप देखना, इनको बड़ी तकलीफ है ऐसा बोलते, मतलब क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है, बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को अख्तियार, आपको अख्तियार है।